विधानसभा चुनाव के लिए बसपा की पहली लिस्ट जारी। जेजेपी को छोड़ पार्टी में शामिल हुए हरबिलास सिंह को दी टिकट। हरियाणा में विधानसभा चुनाव के लिए कुछ पार्टियां जहां असमंजस में नजर आ रही हैं, वहीं कुछ पार्टियां अपने प्रत्याशियों को लेकर पूर्ण रूप से स्पष्ट होती दिख रही हैं। इसी तरह हरियाणा में विधानसभा चुनाव के लिए बहुजन समाज पार्टी ने अपने प्रत्याशियों की पहली लिस्ट जारी की है। यहां पर इनेलो के गठबंधन में चुनाव लड़ रही बसपा ने प्रत्याशियों के नामों की घोषणा की है। आपको बता दें, 4 सीटों पर बसपा ने प्रत्याशियों के नाम घोषित कर दिए हैं। गौरतलब है कि इनेलो और बसपा हरियाणा में गठबंधन में चुनाव लड़ रहे हैं। यहां पर काबिले गौर है कि अंबाला नारायणगढ़ से प्रत्याशी हरबिलास सिंह 2 दिन पहले ही जेजेपी को छोड़कर पार्टी में शामिल हुए थे। इससे पहले इनेलो से बहादुरगढ़ में पूर्व दिवंगत नेता नफीर सिंह राठी के बेटे को प्रत्याशी बनाया गया था। हरियाणा में विधानसभा चुनाव एक साथ लड़ने को लेकर बसपा और इनेलो के बीच जुलाई माह से गठबंधन हुआ था और इसके तहत बसपा 90 में से 37 सीटों जबकि इनेलो 53 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। बीते विधानसभा चुनाव में इनेलो केवल एक ही सीट जीत पाई थी और बसपा का खाता तक नहीं खुल पाया था। देश और दुनिया की और भी बड़ी खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।